नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। चलिए, एक आज नया चीज़ नई वीडियो में आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। दरअसल ऐसा है कि केम आज बांधेंगे 1x1 का, जो सिंपल होता है, सादा होता है, लेकिन इसमें भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये बांधेंगे और डिग्री सेट नहीं होती है। तो इसको मैं आपके सामने बांध के दिखाता हूँ। इसमें एक और यूनिक चीज़ है कि मैं इसको स्टैंड पे नहीं बांधूँगा, मैं विदाउट स्टैंड कैम बांधूँगा। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि बिना स्टैंड का कैम कैसे बांधते हैं। स्टैंड पे कैम बांधना और विदाउट स्टैंड पे कैम बांधना, दोनों में अंतर है। तो आइए हम सब चलते हैं, देखते हैं कैसे कैम बांधते हैं। देखिए, एक मेरे और साथ जो है रिक्वेस्ट है आप यहाँ लोगों पे से। वीडियो नई पूरा मशीनिंग देखिएगा है तो आपको तो अभी समझ में केम आएगा। स्टैंड का स्किप अभी कीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं चेकिंग आएगा। भी तो नहीं मैं हुआ है। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा हम देखें, पूरा इसका सेट भी कर वीडियो रहे हैं। देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा क्या है, उस पूरा वीडियो नंबर नहीं देख हो के रहा, आप नंबर नहीं होने का कोई कमी क्या है, बहाना किस नहीं है, हिसाब से है, आप मुझे मेरे उससे भी साथ कोई दिक्कत डिस्कस नहीं कर है। सकते हैं। अभी हम बना उससे देते हैं। डिस्कस करेंगे तो मैं बनाने इसके के ऊपर आगे बाद वीडियो बनाऊंगा और जो समझ केम में ना स्टैंड में आया इसके लिए हो वो तैयार कर रहा हूँ। समझाने की मुझे केम कोशिश स्टैंड में करूंगा। बनाना नहीं अगर है, आप मेरे से लेकिन बेहतर केम मैं बना इसके लिए सकते तैयार कर हैं रहा हूँ कि जो तो यहाँ पे भी आप मास्टर मुझे है बताइए। चलिए, वो अगले बार वीडियो देखते से रहिए, मुझे क्या आगे बुलाए जो ना, भी कमी बेस होगा वो बताते रहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बुलाए ना, लेकिन बुलाना तो पड़ेगा। काम अगर परफेक्ट करना है तो बुलाना तो पड़ेगा। फिर भी कोशिश करूँगा कि वो सीख जाए, अगले बार से मुझे ना बुलाए वो। अभी आप देख रहे हो जिस प्रकार से, अभी कैम स्टैंड सेटिंग कर लेते हैं, उधर काम चल ही रही है। जो यहाँ का मास्टर है उससे कि हम गियर बॉक्स उतरवा रहा हूँ, तब तक मैं ये काम कर लेता हूँ। अभी ये रेडी हो गया है कैम स्टैंड। अभी यहाँ पे देखिए ये लगे पड़े हैं। अभी इन्होंने क्या हुआ कि उल्टा खोल दिया। अभी उल्टा खोलने के कारण क्या है, उस हिसाब से खुलता नहीं है जिस हिसाब से खोलना चाहते हैं। तो देखिए, ओहो, कैम की हालत ख़राब। पहले इनको ये खोलना था, बाद में ऊपर का बोल्ट निकालना था। खैर कोई बात नहीं, मैंने उधर से गियर टाइट करवा दिया है। गियर टाइट करवाने के बाद अभी ये खोल रहे हैं तो आसानी से खुलेगा। बशर्ते आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, दोनों साइड को ऊपर से लॉक है, वो लॉक खोलने से पहले ये चारों बोल्ट खोलना है, बाद में वो लॉक खोलना है। अभी हम गलती यहीं पे करते हैं कि पहले ऊपर वाला जो हमको सामने बोल्ट दिखता है पहले उसको खोल लेते हैं। अभी इसको खोलने से फ़ायदा ये होगा कि जब हम नीचे उतारेंगे ना कैम को, तो आसानी से खुल जाएगा बिना स्टैंड का, बिना लॉक लगाए हुए। तो इसको थोड़ा थोड़ा ढीला करना होता है, हल्का हल्का ढीला कर लेंगे तो हो जाएगा काम। अभी 2-3 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, 4 मशीन है, बट मैं इनको 2 मशीन में ही अभी काम करके दिखाऊंगा, 2 मशीन इनके ऊपर छोड़ूंगा। बोल तो रहे हैं कि मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, नहीं होगा तो फिर वापस आके करके जाएंगे। अभी काम थोड़ा तो सा टॉप नहीं रह गया है। पहले जो साटिन वगैरह चलता था तो साटिन में हर एक दूसरे तीसरे दिन महीना में 2-4 बार केमूम बांधने का काम आता था। अभी मार्केट में जो साटिन की क्वालिटी है वो विलुप्त हो चुकी है। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे मैं अभी एक केम उतार रहे हैं नीचे, तो उतारने का तरीका भी गलत है। मैंने इनको बोला था कि 2 आदमी बुला लीजिए, क्योंकि इसमें वजन होता है और हम इस तरीके से नहीं उतार सकते। अभी थोड़ा सा देखिए 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 देखिए, तकलीफ हुआ ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी मेरी सलाह मानिए, मेरी बात मानिए। मेरी बात मानिएगा तो आपका परफेक्ट उतरेगा, परफेक्ट काम होगा, नहीं तो ऐसे ही होंगे जैसे इसमें हुए। अभी हम इसको खोल लेते हैं, खोलने के बाद इसमें काम करते हैं। और पूरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। पता अगर बढ़िया से करना है तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो
तो अच्छे से केम बांधेंगे, अच्छे से केम बांधेंगे तो अच्छा से खाता चलेगा, खाता अच्छा चलेगा तो आप भी अच्छे रहोगे। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अभी हम काम करने जा रहे हैं जैसे तो विस्तार से अभी बात कर रहे हैं हम, इसी हिसाब से काम काम आप है, भी कीजिए क्योंकि अभी आप थोड़ा देख सा रहे हो। अंतर होगा, थोड़ा सा अंतर होगा ठीक तो है, जब बहुत सारे कुछ मैं साइलेंट भी प्रॉब्लम रहूंगा तो आएंगे अच्छा विविंग है। में। तो विविंग में अगर प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो यहाँ पे काम ध्यान से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काम हम ध्यान से कर लेते हैं। आगे अभी बात ऐसा ही है कि बहुत लोगों को कुछ पता होता नहीं है और बोल देते हैं कि मुझे पता है, बट कोई नहीं, हमारा बताने का काम है, उनको बताएंगे, उनको सिखाएंगे कैसे काम होता है। तो आप भी सीखिए, आप भी देखिए, देखिएगा तो सीखिएगा। अभी हम लोग आप देख सकते हैं कि हम प्लेट डालना चालू कर दिए हैं। अभी प्लेट डालेंगे, सेटिंग करेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिए कैसा लगा, किस हिसाब से आपको कुछ समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो आगे मुझसे पूछिए, तो मैं आगे और बताऊंगा। कुछ चीज़ अगर मेरे तरफ से कमी रह गई हो तो वो भी बोलिएगा, उसको सुधार करेंगे हम, कोशिश भी करेंगे सुधार करने का। अभी देखते जाइए आप कैसे कैसे हम काम कर रहे हैं। विस्तार रूप से हम बता ही रहे हैं, आगे आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना इस वीडियो से सीख पाते हैं। अगर एक वीडियो से थोड़ी सी कमी रह गई तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो दूसरी वीडियो भी इस पे बनाएंगे। और जब तक आप लोगों का कमेंट आएगा नहीं, जब तक दूसरी वीडियो कैम के ऊपर नहीं बनेगा, तो उसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप दूसरी वीडियो बनाइए, बनाने के लिए बोलिए। और जितना अगर समझ में आया तो वो मुझे बताइए, जो समझ में नहीं आया वो मुझे बताइए। अगर आप इससे अच्छा कुछ कर सकते हैं तो भी मुझे बताइए। क्या दिक्कत हो रही है आपके कैम में वो भी मुझे बताइए, तो उसका भी मैं काम करके आपको दूंगा। अभी आप देख ही रहे मेरी 8 प्लेट डल चुकी है, उसके बाद अभी हम फटाफट इसको फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद मशीन पर लगाएंगे, मशीन पर लगा के लिफ्टिंग करेंगे, देखते हैं लिफ्टिंग में क्या है, किस हिसाब से कैसे है। जब तक आप देखते रहिए, अभी इस हिसाब से काम चल रही है, थोड़े थोड़े बीच में गुफ्तगू हो रही है, हो रहे हैं हम लोग। बड़े ज़रूरी भी है, थोड़ा बहुत काम करते करते बात भी करना ज़रूरी है। तो और मेरा सिद्धांत है कि मैं थोड़ा सा काम को लाइटली ही लेता हूँ। तो आप देखिए ध्यान से कैसा गया है, अभी आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे लग चुकी है मशीन पे। थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, दिक्कत होने के कारण ये है कि इन्होंने केम लाते वक्त में पटक दिया था, जैसे निकालते वक्त में पटका था। कोई बात नहीं, अब इन्होंने थ्रो तो कर ही दिया है, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है लिफ्टिंग में, फिर कोई बात नहीं, हम अब नहीं उतारेंगे। लग गई है तो लग गई है, हम कैम के अंदर ही इस पे काम करेंगे। थोड़ा बहुत हम कैम के ऊपर काम करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि उतारेंगे तो कुछ ज़्यादा मेहनत लगेगा, तो उसके लिए हम उतारने का प्रयास नहीं करेंगे। हम जो है कैम के अंदर ही काम कर लेंगे जो भी करना होगा। तो अभी आप देख रहे हैं ये लॉक वगैरह हम लगा दे रहे हैं। लॉक वगैरह लगाने के बाद ये तो ज़रूरी है, क्योंकि कैम पे अगर लोड पड़ेगी तो कैम फेंक दिया जाएगी, एयर बाहर निकल जाएगी, तो ये चेक कर लेना ज़रूरी होता है। सब कुछ पहले सारा बोल्ट आप चेक कर लीजिए, सारा बोल्ट सही परफेक्ट से टाइट हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी हम देख लिए हैं यहाँ पे लिफ्टिंग वगैरह कर लिए हैं, परफेक्ट तक कैम वगैरह बांध दिए हैं। अभी आप देख रहे हो, अब ढक्कन वक्कन लगा देते हैं। ढक्कन वक्कन लगाने के बाद अभी हमें आपको एक लिफ्टिंग दिखाऊंगा कि लिफ्टिंग बराबर हो रही कि नहीं हो रही। देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग वगैरह बराबर मिल चुका है। तो देखिए 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 यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि ढक्कन को थोड़ा सा शांति से बैठाएं, शांति से बैठाएंगे तो बैठेगी, नहीं तो ऑयल बाहर निकलेगा ही। चलिए अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ढक्कन बैठ नहीं रहा,
थोड़ा सा हड़बड़ा गए हैं, थोड़ा सा बेचैनी है, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभी लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। कोई नहीं, लग चुका है। अभी मशीन को आपको रिवर्स फॉरवर्ड रेंचिंग करके भी दिखा देता हूँ, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप ये सब करने के बाद एक बार फौरी वगैरह का हाइट अमाउंट भी चेक कर लीजिएगा, फौरी का हाइट चेक कर लीजिएगा, अमाउंट चेक कर लीजिएगा, कितना पे है, कैसे है, किस हिसाब से है। क्योंकि अगर फौरी का हाइट भी बराबर नहीं रहेगा तो केम प्रॉपर नहीं चलेगी। तो उसके लिए सब कुछ चेक करना ज़रूरी है, सब कुछ करेंगे, ओके परफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर जहाँ नहीं समझ में आती है वहाँ बिल्कुल हम सब पूछ सकते हैं, और पूछेंगे तो हम बिल्कुल बताएंगे। देखिए देखिए, वो 1x1 का ही है, तो इसके लिए लिफ्टिंग ये बराबर हो रही है, तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट हो गया है। रदन, अभी अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक प्यार बनाइए।